दोस्तों फाइनली मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसने सारे फोटोग्राफी मार्केट में तहलका मचा दिया है और इसका नाम है एटॉन फ्रॉम साइलेंस कॉर्नर। ये वो पहली कंपनी है जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया था। सोचिए विद इन 1 सेकंड आप वीडियो को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ले सकते हो। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। ये हमारा एटॉल कैमरा कॉर्नर और इसके साथ कुछ स्क्रूज और एलन कीज भी आती हैं। इस कॉर्नर की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही सॉलिड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अपने गिम्बल को रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मोड पे जाओगे, क्योंकि इसकी लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो फिक्स रहता है और वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है। इसके आते हैं 4 मॉडल्स। ये है एटॉल सी, जो आपके निकॉन कैमरा या कैनन कैमरा पे इजिली फिट हो जाता है। एटॉल एस इज फॉर सोनी कैमरास, एटॉल डी इज फॉर DSLRs, एंड एटॉल एक्स इज फॉर मीडियम फॉर्मेट या फिर वो बड़े कैमरा जिनपे बैटरी ग्रिप लगती है। नो मैटर आप गिम्बल पे शूट करते हो या फिर ट्राइपॉड पे, आपको सिर्फ इसके यहाँ पे ये छोटा सा लीवर दिया है, इसे थोड़ा सा लूज करना है और ये हो गया आपका वर्टिकल मोड और फिर वापस आ गया आपका हॉरिजॉन्टल मोड। तो दिस इज अ गेम चेंजर। अगर आप एक स्टूडियो, फैशन या प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो और बहुत सारे लोगों को या सब्जेक्ट को शूट करते हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, आपको पता है वो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है जब पूरे के पूरे बॉलहेड को हिलाना पड़ता है। एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सेंटर ऑफ द लेंस पे बना रहता है तो वापस से रिकम्पोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मैक्रो शॉट्स बहुत ही ज्यादा लेते हो या फिर लो एंगल शॉट्स जहाँ पे आप अपने ट्राइपॉड का सेंटर कॉलम यूज करते हो और ऐसे टाइम पे हमारा कैमरा हरदम होता है उल्टा, आपको पता है उस टाइम कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे के सारे जो मेन्यूज होते हैं ना वो उल्टे दिखने चालू हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मिल चुका है, आपको सिर्फ इस पूरे इसको घुमा देना है और आपके मेन्यूज हो गए पूरे स्ट्रेट। चलिए अब देखते हैं कि ये किस टाइप से आपके कैमरे पे माउंट होता है। तो इसके साथ आपको मिलती है ये 2 टाइप की एलन कीज। इसकी जो नीचे वाली प्लेट है ये डायरेक्टली आपके कैमरे बॉडी पे अटैच हो जाती है और वहीं से आपके कैमरे को पूरा ग्रिप मिलता है। ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये आपके गिम्बल ट्राइपॉड पे इजिली माउंट हो जाती है और इसी की वजह से कैमरा अपने पूरे एक्सिस पे रोटेट करता है। इसका ये जो नीचे वाला स्क्रू है इसे आप इजिली फ्रंट एंड बैक एडजस्ट कर सकते हैं और ये चीज डिसाइड करेगा कि जो आपका जो कैमरा कॉलर है वो आपकी बॉडी से कितनी दूर है। और इसकी वजह से आपके जितने भी FN के बटन्स हैं या फिर साइड में ऑटो फोकस का बटन, आप इजिली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास जो मॉडल है वो है एटॉल सी, जो कैनन एंड निकॉन दोनों पे फिट हो जाता है। तो मैंने इसे दोनों कैमरास पे ट्राई करके देखा है और कोई भी पंगा नहीं आया है, क्योंकि आपको एक अच्छी ग्रिप भी मिलती है। आपकी ये जो फिंगर्स है वो इजिली यहाँ पे स्लाइड हो जाती है जिस तरह से नॉर्मल अपने कैमरे को पकड़ते हो। और अगर आपको अपना लेंस निकालना है तो वो भी बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस है अभी या फिर ऑटो फोकस या मैनुअल मोड के बीच में मूव करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लेंस है वो कॉलर के एकदम सेंटर में हो। और उसे फिक्स करने के लिए ये जो यहाँ पे नीचे ये 2 छोटे छोटे स्क्रूज दिए हैं, आपको उन्हें थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा विद एलन की और ऊपर या नीचे उनकी मूवमेंट को फिक्स करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं या फिर कैमरा। एक बार अगर एडजस्टमेंट एकदम फर्स्ट क्लास हो गई तो कैमरा अपने एक्सेस पे ही घूमता है। अब कोई भी ब्राइड आपको बोले कि भैया मेरी रील्स भी बना दो फटाफट, तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मोड टू वर्टिकल मोड। मैंने तो ये 2 प्रोडक्ट्स अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं, इनका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस एटॉल के कैमरा कॉलर को ट्राई कीजिए और अपना बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम बचा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।